जब टॉम बॉय फैशन स्कूल में जाती है तो क्या होता है? सही कहा, बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाती है। एक असली टॉम बॉय गुलाबी और लड़कियों वाली चीजों की बहुत बड़ी दुश्मन होती है, वो लड़ पड़ेगी। आज फैशन स्कूल में नई लड़की आई है। बच्चों प्लीज हमारी नई स्टूडेंट सोफी का स्वागत करें। क्लास इस नई लड़की को देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुई। क्या ऑडिशंस में इससे बेहतर लड़की नहीं मिली? सोफी भी यहाँ आकर खुश नहीं है। तुम सब इतने घमंडी क्यों हो? वो उन्हें दिखा देगी कि बॉस कौन है। वो पंजे लड़ाने से शुरुआत कर सकती है। ये रहा एक अच्छा ओपोनेंट। हालांकि ये लड़का थोड़ा कमजोर है, उसे हराना आसान होगा। बारबरा हैरान रह गई। अच्छा हुआ कि मिस कैंडिस यहाँ आ गई, वो इस परेशानी को संभाल लेगी। बच्चों लड़ना बंद करो। पर सोफी को ताकत के जरिए लड़ाइयाँ सॉल्व करने की आदत है। खैर मिस कैंडिस ये चैलेंज संभाल सकती है। वो आम रेसलिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानती है। और विनर है मिस कैंडिस। तो इसका मतलब है कि वो हार गई टीचर से, ड्रेस और हील्स वाली टीचर से। उफ सोफी। रणविवा क्लास में आपका स्वागत है। यह मॉडलिंग का जादू होता है। फैशन स्कूल के हर लड़की को पता होना चाहिए कि रनवे क्वीन कैसे बनते हैं। पर कुछ लोगों के लिए ये काम काफी मुश्किल है। चलो सोफी का स्टेज पर स्वागत करें। उसके लुक पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये क्या है, तुमने हाई हील्स क्यों नहीं पहनी हुई? सोफी को कंफर्टेबल रहना ज्यादा पसंद है। हील्स नहीं लेडी, शूज ही मेरी जिंदगी है। पर मिस कैंडिस ने हार नहीं मानी। इस क्लास में तुम्हें हाई हील्स की जरूरत है। मिस कैंडिस सोफी का स्टाइल बदल कर ही रहेंगी। ओह ये शूज बहुत बेकार है और कैट वॉकिंग सर्फिंग से भी मुश्किल है। सोफी बिना किसी परेशानी के आग जला सकती है और जंगलों में कैंप लगा सकती है। पर हाई हील्स में चलना भूल ही जाओ। दूसरी तरफ बारबरा माहिर है। वो इस रनवे पर शानदार लग रही है, जरा उसकी तरफ देखो तो। पर उसके भी पैर इन अनकंफर्टेबल शूज में चलकर दुखने शुरू हो गए। क्लास के बाद थोड़ा आराम करना अच्छा है। तुम्हें अपने पैरों में ये शूज पहन कर देखने चाहिए। आरामदायक जूते जिंदाबाद। ये जन्नत है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों पर खड़ी हूँ। एक दिन के लिए मैंने बहुत हाई हील्स पहन ली। फैशन स्कूल का कैफेटेरिया हद से ज्यादा सख्त है। आप वजन चेक कराने के बाद सिर्फ सैलेड खा सकते हैं। जूलिया आज लकी है, उसे सख्त डाइट नहीं करनी पड़ेगी। वो एक ग्लास पानी भी ले सकती है। बहुत स्वादिष्ट। हालांकि एक दिन पहले जूलिया को खाना नहीं मिला था क्योंकि उसका वजन बढ़ गया था। आज बारबरा के साथ अच्छी चीजें नहीं हो रही। वजन बढ़ गया, उसे अपने प्लेट की फालतू कैलोरीज हटानी पड़ेगी। फैसला नहीं बदला जा सकता। फैशन स्कूल के स्टूडेंट्स को ऐसी बुरी हालत की आदत है। सोफी आ गई, वो स्वादिष्ट बर्गर उठा चुकी है। पर ये नहीं चलेगा, मशीन पर खड़ी हो जाओ लेडी। क्या ये क्या मुसीबत है, तुम्हें पूरे साल भूखा रहना पड़ेगा। इस मशीन ने जो भी बताया उसकी सोफी को परवाह नहीं है, बल्कि वो एक और बर्गर खाएगी। हे, ये मेरी सीट है। हाँ सोफी से बहस करने की कोशिश मत करो, अभी के लिए जूलिया साथ वाले टेबल पर बैठ जाएगी। उन बर्गर्स की खुशबू बहुत स्वादिष्ट है। सारे क्लासमेट सोफी से जल रहे हैं, पर वो शेयर करने के लिए तैयार है। चलो भी खा लो। मिस कैंडिस कैफेटेरिया के मेन्यू पर कड़ी नजर रखती है। इस कचरे से अपना हाथ हटाओ, वो बस इसकी खुशबू और इस खाने के सपने देख सकते हैं। कम से कम ये कुछ तो है ही। बारबरा को एक नया टैटू चाहिए जैसे कि यस्टरडे। हालांकि बारबरा को खुद ऐसा नहीं लगता। सोफी शानदार टैटूज के बारे में बहुत कुछ जानती है, उसे बस एक डिजाइन चुनना है। नहीं ये सारे बेकार है। बारबरा को कुछ खास चाहिए। वो एक लेडी है और सोफी के पास एक कमाल का आइडिया है। ये उसका सबसे बढ़िया काम होने वाला है।
बुरा नहीं है, बारबरा की पूरी जिंदगी एक फैशन है। हाई फाइव गर्ल। ओ, उसे अभी भी बहुत सारी ट्रेनिंग करने की जरूरत है। आज रात बारबरा की डेट है, कम बात मैनर्स तमीज, बहुत शांति है और बहुत बोरिंग। साथ वाले कपिल जैसा बिल्कुल नहीं। सोफी जस्टिन को एक मजेदार कहानी सुना रही है। असली मजे तो यहाँ पर हो रहे हैं। हे माइकल, तुम मेरे साथ हो? हाँ हाँ बारबरा, माफ करना मेरा ध्यान भटक गया था, पता नहीं इसका एंड क्या होगा। आप ऐसा कुछ मिस नहीं कर सकते। हे दोस्तों, मैं आ गया। लगता है बारबरा को ये शाम अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। इन लड़कों को खुश करना बहुत मुश्किल होता है। फैशन स्कूल में स्टाइल क्लास हमेशा बहुत दिलचस्प होती है। सोफी, रियल लेडी ऐसे दिखनी चाहिए, साफ सुथरी और खूबसूरत। ये शानदार है ना? मिस कैंडल सोफी को किसी भी हाल में बदल कर रहेगी और आज उसे अपनी ड्रेस चुननी होगी, कुछ लड़कियों वाला, जैसे कि ये ड्रेस। मिनी स्कर्ट, लेदर और जीन्स को कचरे में फेंक दो। नहीं नहीं नहीं, उसे ये लाल ड्रेस पहननी ही पड़ेगी। ये वाली शायद सही नहीं है, ये ड्रेस मेरी स्किन को चुभ रही है। खैर, ये वाली ट्राई करो। ओह, ये और भी बेकार है। ये ड्रेस बूढ़ी औरतों के लिए है। मिस कैंडिस, आपको पता है क्या, मैं आपको अपनी स्टाइल दिखाऊंगी। रिजेक्ट की हुई चीजों में से सोफी ने अपना पूरा लुक तैयार कर लिया। ये स्टाइलिश है और सबसे जरूरी, ये बहुत कंफर्टेबल है। इस ड्रेस को लेकर बहस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सोफी इतनी कूल है कि वो अपना टॉमबॉय स्टाइल नहीं छोड़ सकती। एटिकेट लेसन्स कोई मजाक नहीं होते, ये बिल्कुल साइंटिफिक होते हैं, पर सभी फैशन स्टूडेंट्स को इतनी दिलचस्पी नहीं है। सोफी बेकार रोल से बोर हो चुकी है। ये सब बनाया किसने था? एक इंसान को इतने सारे चम्मचों और फॉक्स की क्या जरूरत है? बातें बहुत हो गई, चलो प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, चलो शुरू करें। फिश काटने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? बहुत अच्छे, जाहिर है सोफी को छोड़कर। उसे लगता है वो सीधे चम्मच के साथ फिश खा सकती है। मीट फॉक कैसा दिखता है? ये एटिकेट सचमुच बहुत थका देते हैं। अब मुझे बताओ कि नींबू पानी के साथ क्या करते हैं? मिस कैंडिस आज बहुत बेवकूफों वाले सवाल पूछ रही हैं। तुम्हें इसे पी लेना चाहिए। पर ये इतना आसान नहीं है। सोफी लड़की, ये पानी हाथों को धोने के लिए है। ओह, ऊप्स, गलती हो गई, पर ये बहुत ज्यादा हो गया। सोफी, इस क्लास से बाहर निकलो। आप आर्ट क्लास में पूरा आराम कर सकते हो। ये जगह बुरी वाइब्स और घमंडी लोगों के लिए नहीं है। फैशन स्टूडेंट्स को ब्रशेस और वाटर कलर्स के बारे में पता होना चाहिए। इन क्लासेस के बीच कई सारे मास्टरपीस बनाए गए हैं। पर सोफी के लिए आर्ट एक नई चीज है। ड्राइंग इतनी मुश्किल नहीं हो सकती, है ना? चलो कुछ हल्के ब्रश स्ट्रोक से शुरू करते हैं। पर तुम्हें इंस्पिरेशन की भी जरूरत है। कोई भी सोफी का ध्यान मत भटकाओ, उसे अपना पैशन मिल गया। आपके लिए एक मास्टरपीस हाजिर है। मुझे लगता है मैंने पहले कहीं देखा है, पर सोफी को अपने क्रिएटिव टैलेंट पर पूरा यकीन है। प्रोफेशनल अभी इसका फैसला कर देगा, वो तो हम देख लेंगे, है ना? ये रहा एक मास्टरपीस। क्या, ये कैसे मुमकिन है? ये तस्वीर म्यूजियम में होनी चाहिए। एक और साधारण बच्चे ने एक नया घर खरीदने के लिए अच्छे खासे पैसे कमा लिए। ये फैशन स्कूल ग्रेजुएशन, उन्होंने अपने टीचर से बहुत कुछ सीख लिया है। वो रनवे पर बहुत दूर तक चली और हजारों आउटफिट्स पहन कर देखे। हाँ, ये वहाँ कौन है? लगता है ये ग्रेजुएट्स स्कूल के रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं। Yes. और सिर्फ ग्रेजुएट्स ही नहीं, मामूली ड्रेसेस बिल्कुल नहीं।
मिनी स्कर्ट्स, लेदर जैकेट्स और रेड लिप्स जिंदाबाद। अगर लड़के कंफर्टेबल है तो फर्क नहीं पड़ता वो क्या पहन रही है। सबको इस पार्टी में मजे करने चाहिए, लेडीज और टॉम बॉयज दोनों को। क्या आपको टॉम बॉय को बदलने की ये वीडियो पसंद आई? क्या फैशन स्कूल में जाना चाहोगे? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं ताकि आप ट्रूम ट्रूम पर कुछ भी मिस ना करें।